भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी कॉस्ट प्राइस ऑफ सिक्स पेन्स इज इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ फाइव पेन्स, फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, छः पेन का कॉस्ट प्राइस जो है पांच पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो हमें निकालना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो मान लेंगे लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ वन फैन बी रुपीज एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ फाइव फैन, कॉस्ट प्राइस ऑफ फाइव फैंस इक्वल टू 5x रुपीज हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस ऑफ फाइव पेंस इक्वल टू हमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ सिक्स पेंस। तो छः पेन का कॉस्ट प्राइस 6x हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर अगर देखा जाए सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस कैसा है कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो लाभ होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट इक्वल टू 6x-5x=x रुपीज, यानी x रुपीज का प्रॉफिट। तो यहाँ से अगर देखा जाए प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट हुआ है एक्स का और कॉस्ट प्राइस है 5x × 100%। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 100 में, तो ये वैल्यू यहाँ पर आने वाली है 20%, यानी 20% का लाभ होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।